बिल्कुल, हमारे जो भी प्रतिष्ठान हैं उसमें आज 50% ऑफ रहेगा। अच्छा, जो आएगा हमारे यहाँ थाली वगैरह खाने के लिए। अच्छा, आपका रेस्टोरेंट है? हाँ, रेस्टोरेंट है पास में ही, जो ये साइन दिखाएगा उसके लिए। राष्ट्र को पिछले 10 वर्ष से उसकी पहचान दिलाई जा रही है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। सभी को वोट डालना चाहिए, भले ही कोई किसी भी कंडीशन में हो, लेकिन वोट डालना हम लोग का अधिकार है, तो उसका पूरा प्रयोग करना चाहिए। एक वोट से भी सरकार बदल सकती है। मेरा सबके साथ एक ही अनुरोध है, हर मताधिकारी के साथ, कि इस भीषण गर्मी के चलते हुए उनको सवेरे सवेरे अपने मत का प्रयोग करना चाहिए करके। कि वोट देने के बाद जो एक खुशी है, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का त्यौहार जो है उसको जो है बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और लोग उसको कैप्चर भी करना चाहते हैं। सर क्या नाम हुआ आप? संकेत। मैं देख रहा था कि अभी वोट देने के बाद बहुत खुशी से सेल्फी क्लिक कर रहे थे आप स्याही के साथ। बिल्कुल, हमारे जो भी प्रतिष्ठान है उसमें आज 50% ऑफ रहेगा। अच्छा, जो आएगा हमारे यहाँ थाली वगैरह खाने के लिए। अच्छा, आपका रेस्टोरेंट? हाँ, रेस्टोरेंट है पास में ही। अच्छा, तो 50% ऑफ रहेगा उसमें, जो ये साइन दिखाएगा उसके लिए। सुन लीजिए सभी, एक बार क्या नाम है आपका रेस्टोरेंट? होम फूड्स रेस्टोरेंट है, मदनमहल स्टेशन के पास, मदनमहल थाने के पास। जो भी ग्राहक आ जाएंगे उनको फ्लैट 50% ऑफ रहेगा, लेकिन वोट डालने के बाद, जिनको साइन दिखाने के बाद। बिल्कुल। अच्छा सर, मुद्दे क्या रहे इस बार चुनावों में? डेवलपमेंट, विकास। डेवलपमेंट, विकास के नाम, डेवलपमेंट और जो सुरक्षा हुई है, जो आजकल अटैक्स नहीं होते, वो एक मुद्दा रहे। हाँ जी। मैम आपका क्या नाम? अर्चना मल्लैया। अर्चना जी, आपके लिए क्या मुद्दे रहे इस बार? राष्ट्र को पिछले 10 वर्ष से उसकी पहचान दिलाई जा रही है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि 1000 साल की गुलामी के बाद हम अपनी पहचान खो चुके थे और धीरे धीरे हम अपनी पहचान की तरफ बढ़ रहे हैं और विकास हो रहा है, दिख भी रहा है। तो यानी कि जो वैश्विक स्तर पर अभी भारत जी, वैश्विक स्तर पर और स्थान अपने स्वदेशी स्तर पर भी जो एक हम में एक भावना जगी है कि हमारा एक राष्ट्र है, हमारी एक भाषा है, हमारी एक संस्कृति है जी, वो पहचान मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जी। आपका नाम बताएं? मैं प्रकाश मलैया जी। आपके लिए क्या मुद्दे हैं? मुद्दे क्या है? साफ़ सफाई अच्छी है, शहर अच्छा है और प्रगति हो रही है, प्रगति अच्छी हो रही है देश की, देश का नाम हो रहा है, यही सब मुद्दे हैं। यानी आपके लिए भी जो देश का नाम इस समय? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि देश का नाम ऊंचा हो रहा है, देश प्रगति कर रही है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है लोगों का, सब अपने सुरक्षित महसूस करने लगे हैं। ये लोकतंत्र का महापर्व है जी, बिल्कुल, बहुत बड़ा महापर्व है ये। क्या नाम हुआ सर? जगनदीप सिंह आनंद। जगनदीप जी, क्या मुद्दे हैं हमारे इस बार चुनावों में, किन मुद्दों को देख के वोट देंगे? बस मुद्दा विकास का ही है, और कोई मुद्दा तो है नहीं। यानी कि विकास के मुद्दे पर और साथ में स्थानीय भी कुछ? स्थानीय मुद्दा तो कुछ नहीं है ऐसे विशेष जबलपुर के लिए, जबलपुर का विकास हो रहा है विगत कई वर्षों से और हम लोग खुश हैं उससे, विकास विकास से खुश हैं जी। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। सर क्या नाम हुआ? राजेंद्र कृष्णाणी। राजेंद्र जी, क्या मुद्दे अहम रहे इस बार चुनावों में वोट? राष्ट्रवाद सबसे बड़ा है जी, वो रहेगा तो हम रहेंगे, देश रहेगा जी, तो राष्ट्रवाद का अहम मुद्दा रहेगा, बस होना भी वही चाहिए सबके लिए जी, और कुछ हो तो ठीक। थैंक यू सर। सर क्या नाम हुआ? अंकित। अंकित सर, क्या मुद्दे अहम रहे इस बार चुनाव में, किन मुद्दों को देखते हुए वोट देंगे? मुद्दे तो अभी ऐसा महंगाई है, बेरोजगारी है, सभी मुद्दे हैं जी, पर ठीक है, वोट तो देना ही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसी का इस्तेमाल करके जो है लोकतंत्र मजबूत कर सकते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? गिरीश कौशल। गिरीश जी, आपके लिए क्या मुद्दे हैं? मुद्दे वही महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय, बेरोजगारी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा जी, यही सब मुद्दे हैं। सर क्या नाम हुआ? किशोर कुमार रोहरा। सर क्या उम्र हो गया? 65। सर क्या मुद्दे अहम रहे इस बार, किन मुद्दों को दृष्टि में रखते हुए वोट दे रहे हैं? डेवलपमेंट, विकास। हाँ। विकास का अहम मुद्दा रहा। मैम आपका नाम? रेखा। आपके लिए क्या मुद्दे अहम रहे इस बार? सब चीज अच्छी होनी चाहिए बस, मतलब आपके लिए वही डेवलपमेंट, विकास जी जी जी, जी। नाम बताइए पहले सर। भरत वीरा जी। भरत जी, क्या मुद्दे रहे? कोई मुद्दे बचे नहीं सर, कोई मुद्दे नहीं बचे, अब कोई मुद्दे नहीं बचे, जो देखा था और आज देख रहे हैं, अब कोई मुद्दे बचे नहीं है। मनन। आपके लिए क्या मुद्दे रहे युवा? मुद्दे तो कुछ नहीं थे, जो पहले के थे वो सब सॉल्व हो गए।
तो अभी तो बस इतना ही है कि कंट्री का इम्प्रूवमेंट हो वो ज़्यादा अच्छा है, वो हो ही रहा है, तो उसी के लिए हम लोग और वो और तरक्की करें और कर ही रहा है वैसे भी, और भी करेगा, अब ये टर्म में देखते हैं कितना और करते हैं। जी सर, क्या नाम हुआ? महेंद्र है। महेंद्र जी, क्या मुद्दे रहे इस बार चुनावों में, किन मुद्दों को देख करके वोट देंगे? मुद्दे क्या, बस अने सभी चीज़ अच्छी है उसको देख के किया वोट, यानी कि विकास या अने सब कुछ देख के ही किया है। सब कुछ देख के। आपका क्या नाम हुआ? अचल राज। कितनी उम्र होगी सर? 75। आपने तो सर कई चुनावों में वोट दिया होगा, इस चुनाव में क्या मुद्दे रहे सर? उसको दिया नहीं मेरे को। क्योंकि दो मतदान केंद्र हैं, एक अभी यहाँ पर मतदान चल रहा है और दूसरा मतदान जो है दूसरी जगह चल रहा है, और लोग लगातार जो है वो वोट दे करके बाहर आ रहे हैं, और इसमें बड़े प्रबुद्ध जन जो हैं वो आपको सीधे तौर पर नज़र आएंगे, जो कहा भी जाता है, जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पहले मतदान करेंगे फिर जलपान करेंगे। सबसे पहला वोट आपने डाला? जी, मैं प्रथम वोटर हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा सर। क्या नाम हुआ सर? मैं जगत राम शिवहरे लिखता हूँ, शासकीय अधिकारी सेवानिवृत्त हूँ। कितनी उम्र होगी सर? मेरी 73 वर्ष। 73 वर्ष उम्र हो गई, और बहुत अच्छा सर, आप पहला वोट दे करके आए हैं। क्या मुद्दे रहे सर इस बार, किन मुद्दों को? विकास। बस। और भी लोग, महिलाएं भी आ रही हैं वोट दे करके, उनसे बात कर। मैम स्याही दिखा दीजिए एक बार पहले। जी मैम, क्या नाम हुआ? मेरा नाम है मिसेस प्रतिभा वर्मा। प्रतिभा वर्मा, मैं भी अभी वोट डाल के आई हूँ। तो आप पहली महिला वोटर बनी आज? पहली महिला वोटर बनी हूँ मैं, अभी वोट डाल के आई हूँ मैं। अच्छा, और लोगों भी को भी क्या कहना चाहें, क्योंकि सुबह सुबह ही आपने जो है वोटिंग का जो मताधिकार है उसका इस्तेमाल किया। सभी को वोट डालना चाहिए, भले ही कोई किसी भी कंडीशन में हो, लेकिन वोट डालना हम लोग का अधिकार है, तो उसका पूरा प्रयोग करना चाहिए। एक वोट से भी सरकार बदल सकती है। तो क्या मुद्दे रहे, किन मुद्दों को दृष्टि में? बेरोजगारी, महंगाई, सबसे ज़्यादा तो बेरोजगारी है और महंगाई है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है सारे। क्या नाम हुआ सर? शंकर पंजवानी। शंकर जी, आप भी सुबह सुबह पहले मतदान फिर जलपान? मेरा सबके साथ एक ही अनुरोध है, हर मताधिकारी के साथ, कि इस भीषण गर्मी के चलते हुए उनको सवेरे सवेरे अपने मत का प्रयोग करना चाहिए करके। सर क्या मुद्दे रहे इस बार के? मूलभूत ज़रूरतें, बाकी तो सब अपनी जगह हैं करके। जैसी महंगाई बढ़ती है वैसे हमारी कमाई भी बढ़ती है, हमारी आय भी बढ़ती है, मगर सिर्फ क्या मूलभूत ज़रूरतें जो हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पानी हो गया, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, विच इज़ वेरी असेंशियल टूडे। दो मतदान केंद्र हैं और लोग सुबह ही, अभी जैसे 7 बजे के बाद ही लोग पहुंचे। अभी भी आप देख सकते हैं कि लाइन धीरे धीरे जो है वो यहां पर बढ़ती जा रही है वोट देने वाले। और इसमें अहम बात यह है कि जो लोग आपको दिखेंगे अधिकतर जो है वो प्रबुद्ध जन दिखेंगे। मैम तो देखिए, जबलपुर में मैं मौजूद हूँ और फर्स्ट जो वोट देकर के आए हैं वो बाहर निकल रहे हैं, इनसे बात करेंगे। स्याही आपको दिखा रहे हैं। सर क्या नाम हुआ? सर सबीरन कुमार वर्मा। वर्मा जी, फर्स्ट टाइम वोटर आज के आप हैं, मतलब पहला वोट आप डाल करके आए हैं, और कहा भी जाता है कि सबसे पहले मतदान फिर जलपान, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर हमारा सब सर कर्तव्य है कि अनेक तो सर सच मेरा अनेकत मतदान करने का अधिकार है, इसलिए मैं अनेकत तो फर्स्ट जो शुरू में वोट डालने का अधिकार है मेरा, और मैं अनेकत तो माना हमेशा है नहीं कि पहले ही वोट डालता हूँ मैं। अच्छा सर, क्या मुद्दे रहे इस बार, किन मुद्दों को देखते हो? मुद्दे तो सर मैं नहीं बता पाऊँगा, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अनेक मुद्दे के लिए मैं नहीं बता पाऊँगा सर। मुद्दे वो तो सर मेरा वो है कि मुद्दे मेरे पास हैं, अब यानी कि उस मुद्दे पे मैंने सर वोटिंग की है। अब मुद्दे में यानी कि तो साफ नहीं करूँगा तो फिर लोग फिर उस चीज़ तो वैसे भी यानी कि तो वैसे यानी कि तो वैसे तो महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। ठीक है।